तो ब्रेक के बाद चलते हैं खबरों की ओर, बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज पिछले 10 दिन में तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में 31 मई से 9 जून के बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस से 87 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 477 नए लोग जो हैं इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि इस दौरान 469 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश किए हलफनामे में स्वीकार किया है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 135 लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमित होने के बाद होने वाली इस बीमारी ने प्रदेश में 1791 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से 1000 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 583 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तो चलते